हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो देखिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो है इसके अंदर रिएक्शंस हैं और इसके रिलेटेड आप अगर रिएक्शंस को समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं। एसिड जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो होता है सोर इन टेस्ट होते हैं, और जो लिटमस कलर का जो चेंज करते हैं वो करते हैं ब्लू से रेड में। और वहीं पर अगर बात करें बेस जो होते हैं, बेस का जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर, लेकिन जो चेंज ऑफ कलर होता है लिटमस का वो होता है रेड से ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एसिड्स का काम क्या होता है कि वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेंगे, और बेसिस का काम ये है कि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि बेस बी से स्टार्ट होता है तो ये कन्वर्जन होगा वो होगा ब्लू में, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर बात करें अब ये लिटमस क्या होता है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि अपना कलर चेंज करके बताता है कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। और वहीं पर एक दूसरा जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया हुआ है टर्मरिक। आप देखिए, हल्दी आप लोगों ने सभी ने घर पर देखा होगा, तो जब कभी भी हल्दी का दाग लग जाता है कपड़े के ऊपर और जब उसे धो दिया जाता है, जो कलर है वो रिमूव नहीं होता, वो कलर चेंज हो जाता है। तो वो कौन सा कलर हो जाता है, वो हो जाता है रेडिश ब्राउन। के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, फैक्चुअल बात है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि अब ये लिटमस क्या होता है। जो लिटमस होता है, लिटमस को एक तरीके की पर्पल कलर की डाई होती है जिसको कि एक्सट्रैक्ट करा जाता है लीचन प्लांट से। एक तो ये प्लांट है, इसीलिए क्या होगा, प्लांट से जब भी हम कोई भी चीज़ नेचर से लेते हैं इसलिए वो नेचुरल हो जाती है। अब प्लांट और टर्मरिक दोनों के दोनों नेचुरल हो गए, और जो टर्मरिक है जब ये बेसिस के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, अपने येल्लो जो कलर है उसको कन्वर्ट कर देता है रेडिश ब्राउन कलर। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अंदर कहा गया कि आपको तीन टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो हम तीन टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तीन टेस्ट ट्यूब हैं। अब हमें इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें है कि आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है तीनों के अंदर, एक सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन है। और इसके अंदर आपको कहा गया है कि आपको एक में वाटर गिवन है, और एक के अंदर एसिडिक है, और एक के अंदर बेसिक सॉल्यूशन है, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर प्रोवाइड करवाया गया है। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो अब देखो, सिंपल सी बात यह है कि जब एसिड होता है तो एसिड के लिए क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ताकि ब्लू से हम क्या करेंगे, उसको रेड में कन्वर्ट कर देंगे। और बेस के लिए क्या होना चाहिए, बेस की अगर हम बात करें तो बेस के लिए सिंपल सा हमारे पास में रेड होना जिसको कि हम ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमें तो गिवन रेड है, रेड लिटमस पेपर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी ट्यूब बेस की है। ठीक है, फिर इसके बाद में बची हैं दो ट्यूब। अब इनका क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे कि एक में तो क्या है, बेस, और बेस वाली तो हमने अलग रख दी, और उसके साथ में क्या मिला देंगे, वाटर। जब बेस के साथ में वाटर मिलाएंगे तो रहेगा तो वो बेसिक ही, तो ये क्या करेगा, ये फिर से जो है रेड को क्या करेगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसके साथ में वाटर आ गया। और जो बचा हुआ है आप ये भी कर सकते हो कि जैसे कि एसिड प्लस वाटर हो गया, तो एसिड प्लस वाटर तो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि एसिड के लिए तो रेड होता है, तो रेड तो ऑलरेडी है तो वो चेंज करेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको अलग से एक एसिड की बॉटल बचेगी, वो आप बता सकते हो कि जो ये टेस्ट ट्यूब है इसमें वाटर है, एसिड है, बेस है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब देखिए, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड बेस की। सबसे पहले हम लेबोरेटरी के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड है या फिर बेस है, तो इसके लिए ये एक्टिविटी गिवन है। अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या है कि आपको बहुत सारे एसिड्स प्रोवाइड करवाएं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड गिवन हो गया, ये सब आपको गिवन है। अब आपको करना क्या है कि आपके पास में अलग अलग इंडिकेटर हैं जो कि आपको अपना कलर चेंज करके बताएंगे कि हाँ ये एसिड है ये बेस है। तो यहाँ पर इनकी टेबल गिवन है, तो इस टेबल के अंदर आप दो एंट्री तो लिख ही लेना। सबसे पहले अगर हम लेते हैं HCl को, तो HCl को जब लेंगे तो रेड लिटमस तो चेंज होगा नहीं क्योंकि एसिड है। एसिड क्या करते हैं, फिर से बता देता हूँ, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। और जो बेस होते हैं, बेस का काम ये होता है कि वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। इसको दिमाग में बैठा लो, तो यहाँ पर ब्लू सॉल्यूशन में क्या होगा कि ब्लू को वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसके बाद में फिनोप्थेलिन जो सॉल्यूशन है, जैसे कि ये फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन है, तो ये एसिड के केस के अंदर क्या रहेगा, ये रहेगा कलरलेस। जैसे कि दो गिवन है यहाँ पर, ये फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन है, तो जब बेस होगा तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये कलरलेस रहता है एसिड के केस में। और अगर बात करें मिथाइल ओरेंज जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, तो देखिए मिथाइल ओरेंज सॉल्यूशन इस तरीके का होता है जिसके अंदर कि अगर एसिड रहेगा तो वो रेड कलर का रहता है, और अगर बेस रहेगा तो वो येलो कलर का रहता है। अब इसी तरीके से दूसरी
एंट्री है वो है NaOH की, इसका जो कलर रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू एज इट इज रहेगा, और जो फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन है वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मिथाइल ऑरेंज है वो येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बात करें देयर आर द सम इंडिकेटर्स हुज ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पर स्मेल, मतलब कि उनकी खुशबू चेंज हो जाती है, उससे हम बता सकते हैं कि एसिड है या फिर बेस है। ऐसे जो इंडिकेटर होते हैं इनको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर वेनिला हो गया, अनियन हो गया और क्लोव हो गया, ये जो है इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम में लिया जा सकता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर अब बात करते हैं कि जो एसिड्स और बेस जो मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं। अब मेटल क्या क्या हो सकते हैं, मेटल जिंक हो सकता है, और फिर उसके बाद में सोडियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, ये सब क्या है, ये है मेटल्स। तो अब इनके साथ में एसिड कैसे रिएक्शन करेगा, तो उसके लिए एक्टिविटी गिवन है। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर कहा गया है कि सेट द अपैरेटस, जिसको आपको बताया गया कि इसमें आपको सबसे पहले 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर आपको कुछ पैसेज ऑफ जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं वो इसमें ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर ये है, इसके अंदर ये जो है ये तो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये है जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब छोटे छोटे जिंक के टुकड़े। अब उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जो जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस के ऊपर आपको क्या दिखेगा, छोटे छोटे ऐसे डॉट से बबल्स से दिखेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिखा भी रखें। तो ये जो बबल्स होंगे ये किसके होंगे, आपको इसको सॉप सॉल्यूशन के अंदर जब आप यहाँ पर निकालेंगे, जैसे कि यहाँ से गैस हुई, ये गैस इसमें ट्रांसफर करके यहाँ पर इस बीकर में, और आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम जो सॉप सॉल्यूशन होता है उसमें हवा देते हैं तो बुलबुले बनते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बुलबुले बने। फिर ये बुलबुले किसके होंगे, यहाँ पर जो गैस निकल रही है वो निकल रही है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस यहां से निकली तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होंगे। तो अब हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहां पर एक बर्निंग कैंडल लानी है और उसको वहां पर लगा देना है। जैसे ही हाइड्रोजन फायर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो वो पॉप साउंड के साथ में स्टार्ट हो जाएगी बर्निंग करना, तो आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। जो इसकी रिएक्शन होगी वो ये होगी कि यहां पर जिंक, जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, फिर इसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, तो यहां पर ये बना देगा ZnSO4 और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। और इसको आप ऐसे भी जनरलाइज कर सकते हो कि जब एसिड जो है मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है कि आप हाइड्रोजन जो गैस है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो हाइड्रोजन लिबरेट हुई, तो आपको सिंपल से लिखना है कि हम बर्निंग कैंडल को लाएंगे और उसके साथ में जो है वो पॉप साउंड होगा, अगर पॉप साउंड हो रहा है तो वो जो गैस है वो है हाइड्रोजन गैस और वो मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहा है ऐसे। फिर इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है वही आप बेस के लिए भी कर सकते हो। बेस के अंदर आपको क्या करना है, जो हमारा हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड था उसकी जगह पर चेंज करके आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है। फिर इसके बाद में फिर से आप इसको रिपीट करेंगे तो जो रिएक्शन होगी वो ये होगी कि NaOH प्लस ऑफ यहाँ पर जिंक जो हमें देगा Na2ZnO2, ये क्या है, ये है सॉल्ट, ये क्या है, ये है सॉल्ट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, तो एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है 2.5। अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, इस एक्टिविटी के अंदर आपको बारी बारी से दो सॉल्यूशन लेना है और उनको टेस्ट करने, जैसे कि सबसे पहले आपको 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेना है, जो कि यहाँ पर है, ये जो छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं ये हैं सोडियम कार्बोनेट के। फिर इसके बाद में ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट के बारे में देखेंगे ये डाइल्यूट क्या होता है, तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फिर इसके बाद जब ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि गैस लिबरेट होगी, जैसे कि यहाँ पर एक गैस लिबरेट हो रही है जो कि यहाँ से ट्रेवल करके इस टेस्ट ट्यूब में आ रही है, और ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन रखा हुआ है वो रखा हुआ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो हो क्या रहा है, जैसे ये इसके अंदर आता है जो ये सॉल्यूशन है, ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है जो आपको दिख रही है अभी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जैसे इसमें CO2 पास होती है तो इसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको याद रखना है कि इसमें कलर चेंज हो गई, मिल्की कलर में हो जाएगा, और अगर एक्सेस CO2 पास करते रहते तो ये फिर से कलरलेस हो जाता है। तो अब टेस्ट ट्यूब ए की अगर बात करें जिसके अंदर की Na2CO3 था, तो उसके साथ में जब एसिड के साथ में रिएक्शन होती है तो यहां पर एक कंपाउंड बनता है जो कि है NaCl aqueous, और उसके साथ में वाटर होता है और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाती है। फिर इसी तरीके से टेस्ट ट्यूब बी की बात करें जिसके अंदर की हाइड्रोजन कार्बोनेट था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वो जब एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो यहां पर फॉर्म होता है NaCl प्लस ऑफ वाटर प्लस ऑफ यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद में अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड को, जब जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको कि लाइम वाटर भी
कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला है, ये जो ट्यूब है इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है CaOH2, और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो यहाँ पर ये बन जाते हैं CaCO3, जो कि यहाँ पर हमारी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फॉर्म हो रहा है, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है और इसके साथ में वाटर फॉर्म होता है। देन फिर इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑन पासिंग, जब हम इसमें से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर देते हैं तो क्या होता है कि एक चेंज हो जाता है, मतलब कलरलेस हो जाता है, जैसे कि CaCO3 में आपने रुके नहीं और आपने CO2 और पास कर दिया, तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो होगा CaHCO3 ट्वाइस, जो कि सॉल्यूबल होता है वाटर में, जो कि कलरलेस होता है। तो आप यहाँ से इसको जनरलाइज करके इसको याद रख सकते हो, वो ये है कि मेटल कार्बोनेट हो चाहे से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब वो एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो एक सॉल्ट तो नेसेसरीली फॉर्म होगा, लेकिन उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगी और वाटर भी फॉर्म होगा। देन फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, तो अब जो एसिड और बेस हैं वो कैसे रिएक्शन करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो यहाँ पर ये जो है ये सिंपल सी रिएक्शन होती है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है कि इसके अंदर बेस प्लस एसिड जो होते हैं वो सॉल्ट और उसके साथ में वाटर फॉर्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि NaOH है, NaOH क्या है, ये है एक बेस, और इसके साथ पे जब एसिड रिएक्शन करता है HCl तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर वो मिलता है NaCl और उसके साथ में वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ से हम इसको जनरलाइज बोल सकते हैं कि एसिड प्लस बेस जो होते हैं सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, जो रिएक्शन होती है द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो एसिड और बेस अपने आप में रिएक्शन करते हैं तो इनकी जो रिएक्शन होती है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है कि रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड, जो मेटलिक ऑक्साइड होती है वो एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करती हैं, तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड प्लस ऑफ एसिड जो होता है वो यहाँ पे देता है हमें सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें फॉर्म हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर CuO है और उसके साथ में हम अगर बात करें HCl की, तो यहाँ से जो फॉर्म होगा वो होगा CuCl और फिर उसके बाद में CuCl2 और उसके साथ में H2O फॉर्म हो जाएगा, ये रिएक्शन रहती है। फिर इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि यहाँ पर जो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि यहां पर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जिसके अंदर की कहा गया कि व्हाई डू शुड कर्ड एंड द सोर्स सब्सटेंसेस नॉट बी कैप्ट इन अ ब्रास और अ कॉपर वेसल। अब ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि जो ब्रास और कॉपर के वेसल्स है उसमें हमें दही नहीं रखना चाहिए, जैसे कि जो दही है ये स्टील के कंटेनर में, अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोर, अगर हम बात करें जो सोर होता है वो होते हैं बेस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेस, और हमने अभी भी पढ़ा था कि रिएक्शन जो होती है एसिड्स और बेस की, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया था ये वाली रिएक्शन, ये यहाँ पर मेटल है, मेटल के साथ में जब बेस रिएक्शन करते तो ये सॉल्ट फॉर्म कर देते और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होती है। तो जब कभी भी ऐसी रिएक्शन होती है, जब कभी भी इनको आप मेटलिक जो ब्रास का कंटेनर है उसमें या फिर कॉपर के में रखते हैं, तो यहाँ पर इनमें फॉर्मेशन होती है और इनमें H2 गैस लिब्रेट होने लग जाती है, जिस वजह से पॉइजनस हो जाते हैं, इसीलिए इनको इसमें रखा नहीं जाता क्योंकि रिएक्शन कर देते हैं मेटल के साथ में। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द गैस इज यूजुअली लिब्रेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल एंड इलस्ट्रेट एंड एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो मैंने इसके लिए आपको एक्टिविटी बताई थी, तो आप सभी बताएं कि यहाँ पर कौन सी गैस लिब्रेट होगी, कमेंट सेक्शन में सभी इसका आंसर दीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर मेटल कंपाउंड डे है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर गिवन ये है कि आपके पास में एक मेटल कंपाउंड है, क्या है आपके पास में एक मेटल कंपाउंड है जो कि रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, जिससे कि एक जो एवेफ्रेंस रिलीज होती है। अब ये एवेफ्रेंस क्या होता है, जैसे कि डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे छोटा आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है एवेफ्रेंस, मतलब छोटे छोटे बुलबुले उठने को ही एवेफ्रेंस कहा जाता है। और ये जो एवेफ्रेंस जनरली जनरेट होता है सिर्फ और सिर्फ एक गैस की वजह से, जो कि होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये जनरेट होता है। एंड द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश द बर्निंग ऑफ अ कैंडल, तो यहाँ पर इसमें बताया गया कि जो गैस है वो बर्निंग ऑफ कैंडल को रोक सकता है, तो ये जो प्रॉपर्टी ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के पास में होती है। अगर कहा जाए कि वो जो गैस है वो बर्न होती है पॉप साउंड के साथ में, तो यहां पर हमें पता है कि अभी अभी हमने एक्टिविटी करके आए थे वहां पर हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 या फिर 2 मार्क्स में। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा कि राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड, तो आपको यहाँ पर एक रिएक्शन लिखने की, अगर पहला कंपाउंड जो है कैल्शियम क्लोराइड है तो यहाँ पे हम इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। वो इस तरीके से लिखोगे कि आपको एक तो कंपाउंड गिवन है CaCl2, तो आप यहाँ पर लिख दो कि CaCl2 और इसके साथ में हमने आइडेंटिफाई कराया कि CO2 लिब्रेट होगी और यहाँ पर जो है वो है H2O होगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे अब कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसके अंदर रिएक्टेंट पे हो सकता है कि HCl हो और उसके साथ में यहाँ पर CaOH2 हो, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप कोई सा भी लिख सकते हो, मतलब CaOH2 तो होगा और HCl की जगह पर आप कोई और एसिड भी लिख सकते हो जिसके अंदर की क्लोराइड हो। देन फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि वॉट डू ऑल द एसिड एंड ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन, जैसे कि अभी हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि सभी के पास में दिमाग होता है, सभी के पास में हाथ होते हैं, सभी के पास में पैर होता है, सभी के पास में आंखें होती हैं, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं ये सभी के अंदर पाई जाती है। तो ऐसा ही एसिड और बेस के अंदर क्या कॉमन है जो कि हर एक एसिड और हर एक बेस में पाया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक सिंपल सी एक्टिविटी गिवन है जिसके अंदर कि आप इन्वेस्ट देखोगे कि यहाँ पर एसिड्स और बेस में क्या कॉमन होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसमें एक सॉल्यूशन लेना है आपको ग्लूकोज का और एल्कोहल का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, इन सभी का आपको एक सॉल्यूशन ले लेना है जो कि यहां पर गिवन है। इसके अंदर क्या है, एक तो ये एक रॉक है जिसके ऊपर की क्या लगाई गई है, दो नेल्स लगाई गई हैं, ये एक नेल है, ये दूसरी नेल है, और इसको कनेक्ट करा गया एक 6 वोल्ट की बैटरी से वायर के थ्रू और इनके बीच में लगा दिया बल्ब। तो अब जैसे ही इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो क्या ये बल्ब जल जाएगा। तो यहां पर अब इसमें क्या होगा, जैसे कि जब आप इसके साथ में टर्मिनल्स को टच करेंगे, जैसे कि कनेक्ट द टर्मिनल्स, आपने कनेक्ट कर दिया, नाउ पोर द डाइल्यूट HCl इन बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। अब जैसे ही आप इसके अंदर HCl डालेंगे तो होगा क्या कि ये जो बल्ब है वो स्टार्ट करेगा ग्लो करना, मतलब क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई और फिर उसके बाद में अब ये क्यों हुआ ये हम देखेंगे और फिर इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करेंगे, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी आपको ये सिंपल से ये एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन जब आप इसको करोगे ग्लूकोज और एल्कोहल सॉल्यूशन के साथ में तो इस केस के अंदर जो बल्ब है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, मतलब बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। तो यहां पर ये रीजन ये है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब कभी भी जो एसिड हैं, जब कभी भी एसिड जो रिएक्शन करते हैं, जैसे कि एसिड जब वाटर के साथ में होता है जो रिएक्शन होती है इनकी, ये रिएक्शन नहीं कह सकते आप, इसको ये कह सकते हो कि आयंस में स्प्लिट हो जाता है। जैसे कि HCl है, HCl एक तो बनाएगा कैटायन, ठीक है, और एक बनाएगा यहां पर एनायन, ठीक है। अब कैटायन और एनायन फॉर्म होंगे फिर उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है कैरीड थ्रू द एसिड बाय द आयंस, तो यहां पर आयंस के थ्रू जनरेट होगा। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी का रिजल्ट ये आता है कि द ब्लब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड, तो एसिड्स के केसेस के अंदर जो ब्लब है वो ग्लो करेगा। अब ऐसा क्यों है, इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट जो है कैरीड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस, तो यहाँ पर तो आयंस के थ्रू ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। तो यहाँ पर आयंस क्या होते हैं, तो अब अगर बात करें आयंस की तो आयंस यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक होता है यहाँ पर कैटायन, तो कैटायन क्या होते हैं भैया, कैटायन होते हैं नेगेटिव वाले और जो एनायन होते हैं वो होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव वाले। तो यहाँ पर जब HCl को ले लेते हैं, जैसे कि HCl का हमने एग्जांपल ले लिया, अब HCl के केस के अंदर कैटायन क्या होगा, तो HCl के केसेस के अंदर कैटायन होगा Cl- और एनायन की अगर बात करें तो यहाँ पर वो होगा H+, और वहीं पर अगर दूसरा ले लेते हैं वो ले लेते हैं H2SO4, तो यहाँ पर कैटायन क्या होगा, कैटायन होगा हमारे पास में SO4-2 और यहाँ पर जो एनायन होगा वो होगा H+, मतलब हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर अब आप ये बोल सकते हो कि एसिड्स जो होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं उनके पास में H+ आयन होता है एज ए कैटायन, और एनायंस हो सकते हैं Cl- जो कि HCl के अंदर है, NO3- जो है वो HNO3 के अंदर है, H2SO4 के अंदर SO4-2 है, इसी तरीके से सबके पास में जो कैटायन है वो तो सभी के पास में रहेगा H+ का। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी एसिड्स हैं हमारी पूरी दुनिया में, चाहे से कोई सा भी एसिड पकड़ के लिया, उसके पास में H+ तो 100% मिलेगा ही मिलेगा जब उसको वाटर में डिसॉल्व करा जाएगा। देन फिर इसका जब अब क्या होगा, जब हम एसिड्स और बेसिस का जो है वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे, जब हम उनको वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कभी भी आप एक, जैसे कि ये सॉल्यूशन है कि इसके अंदर आपको 1 ग्राम सॉलिड NaCl है जो कि नमक है, आप इसको कर सकते हो एक सिंपल सा ड्राई अपरेटस जिसके अंदर कि आपको लेना है, और आप जब इसके अंदर रिएक्शन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का ये सॉल्यूशन है और ये टेस्ट ट्यूब है, और इसके अंदर जब आप हाइड्रोजन जो
अब इसके बाद में आते हैं यहाँ पर व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो वाटर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है एसिड और बेस के साथ में, कि क्या यहाँ पर एसिड्स जो हैं वो आयंस प्रोड्यूस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन में। तो इसके लिए एक एक्टिविटी गिवन है जिसके अंदर कि यहाँ पर एक जो दो बीकर है जिसके अंदर कि हमने क्या लिया है सोडियम क्लोराइड लिया और उसके अंदर हम जो डाल रहे हैं H2SO4 डाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, तो यहाँ से रिजल्ट ये आएगा कि आप जब इसके अंदर द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। अब ये जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या करा गया है कि एक बार तो जो हमारा लिटमस पेपर है, लिटमस जो था हमारा लिटमस पेपर था उसको एक बार तो पानी के अंदर डिप करा और एक बार पानी के अंदर डिप नहीं करा। जब हमने उसको पानी में डिप करा तो जो उसका कलर था, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये जो इसको दो केसेस के अंदर लेंगे, एक बार तो सूखा और एक बार गीला। जब गीला लिया जब ही इसने कलर चेंज किया, और अगर बात करें ड्राई की तो ड्राई के अंदर इसने कलर चेंज नहीं करा। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये इसलिए हुआ द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर बात करें HCl को, अगर आप चाहो कि ये ऐसे ही अलग अलग हो जाए बिना पानी के, तो ये अलग अलग नहीं होंगे बिना पानी के, ये एक्सपेरिमेंट में हमने प्रूव कर दिया। फिर इसके बाद में HCl जब वाटर के साथ में रिएक्शन करते तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोनियम आयन बनता है। अब आप बोलेंगे कि भैया हाइड्रोनियम कैसे बन गया, हाइड्रोनियम इसलिए बन गया क्योंकि H+ जो आयन है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो H+ जो है वाटर के साथ में रिएक्शन करके H3O+ फॉर्म कर लेता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि वी हैव सीन दैट द एसिड गिव्स H3O+ एंड H+ आयन इन अ वाटर, लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस डिसॉल्व इन अ वाटर। तो जब बेस डिसॉल्व होता है तो क्या होता है, जैसे कि NaOH जब आप इसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे तो यहाँ से जो फॉर्म होगा वो होगा Na+ और उसी के साथ में OH- फॉर्म हो जाएगा। अब इसी तरीके से और भी रिएक्शंस हैं, जैसे कि KOH है उसके साथ में K+ और OH- हो जाएगा Mg+2 और OH-2। तो आप यहाँ से आप ये याद रख सकते हो कि OH- बेसिस के लिए हमेशा फॉर्म होगा वाटर के केस के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में। और उसके बाद में अगर बात करें बेस दैट जनरेट्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन अ वाटर, वाटर के अंदर जो जनरेट करते हैं ये, अब यहाँ पर आते हैं कि बेसिस जो होते हैं बेस जनरेट्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन अ वाटर एंड बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर उनको एल्कलीज कहा जाता है। अब बहुत सारे बेसिस होते हैं, जैसे कि कुछ बेसिस होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, कुछ होते हैं वो नहीं होते। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल द बेसिस आर एल्कली। तो यहाँ पर यही गिवन है कि ऑल द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन द वाटर एंड एल्कलीन इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन अ वाटर। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड अ बेस। तो आप एल्कली में ये लिख सकते हो कि एल्कली बेसिस तो होते हैं लेकिन वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन बेसिस में कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। देन फिर इसके बाद में आप पर आता है कि नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट द ऑल द एसिड जनरेट्स H+ एक्वस एंड ऑल द बेसिस जो होते हैं वो OH- को जनरेट करते हैं। ये हमने अभी भी पढ़ा था। तो यहाँ पर इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ऐसे देख सकते हैं कि एसिड प्लस बेस जो होते हैं सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी एसिड ले लीजिए, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ HCl और उसके साथ में आप रिएक्शन करवा दीजिए NaOH की, एक तो है एसिड और एक है बेस। तो आपको अगर याद नहीं हो रहा कि कैसे रिएक्शन होती है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आपको Cl इसका और Na इसका दोनों का जोड़ देना है, ठीक है, आपको ये कर देना है कि HCl इसका और Na इसका जोड़ देना है। तो यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा NaCl और उसके साथ में आपको वाटर तो फॉर्म कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो है H+ और OH- मिलकर के H2O फॉर्म कर देते हैं। देन फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अभी ये जो एक्टिविटी है ये आपको अगर कभी लैब में जाओ तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके जरूर से देखना, जिसके अंदर कि आपको यहाँ पर बताया गया कि जब द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि उसमें से जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसके अंदर से हीट जो है वो लिब्रेट करता है, मतलब जो बीकर अगर आप हाथ लगाओगे तो वो गर्म मिलेगा जब आप एसिड और वाटर को मिक्स करेंगे। तो अब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर गिवन है, ये जो फिगर है इसके अंदर गिवन है कि जब आप वाटर के अंदर एसिड, पहले आपने बीकर के अंदर एसिड ले लिया और उसके अंदर वाटर डाल रहे हो, तो क्या होगा कि वहां पर एकदम से हो सकता है कि जो एसिड्स के फ्यूम्स है वो आपके ऊपर हाथ के ऊपर जल जाए और आपका हाथ जल जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। तो आपको करना क्या है कि आपको वाटर के अंदर एसिड को डालना है, ना कि एसिड के अंदर वाटर को डालना है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है
कि केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग द कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और द सल्फ्यूरिक एसिड विद द वाटर एंड द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर विद द कॉन्स्टेंट स्टेरिंग। मतलब कंटिन्यू आपको उसको घुमाते जाना है ताकि जो एसिड है वो उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इफ द वाटर इज एडेड टू अ कंसेंट्रेटेड एसिड देन द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉजेज द बर्न। तो यहाँ पर जो एसिड होता है अगर आपकी स्किन के ऊपर गिर जाता है तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से जल जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं कि मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद द वाटर रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, जो कि H3O- और OH- आयंस होते हैं इनको डिक्रीज कर देते हैं, जिस वजह से सच प्रोसेस जो होती है इसी को ही हम डाइल्यूशन। डाइल्यूशन को इस तरीके से समझो जैसे कि क्या है, एक गिलास है, ठीक है, ग्लास के अंदर आपके पास में लेमन जूस है, ठीक है, लेमन जूस है। अब लेमन जूस के अंदर आपने क्या करा कि एक गिलास पहले पानी डाला, ठीक है, आपने एक गिलास पानी डाला और थोड़ा सा लेमन जूस था, और अगर वहीं पर ही दो गिलास डाल दोगे तो जो एक गिलास वाला है वो ज़्यादा खट्टा हुआ है एज़ कम्पेयर टू दूसरे गिलास में, क्योंकि उसके अंदर लेमन जूस कम था। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप पानी मिलाते जाते हो उतना ही ज़्यादा वो डाइल्यूट हो जाता है, और इस जो प्रोसेस है एडिंग ऑफ वाटर टू एसिड और बेस इज नॉन एज डाइल्यूशन।